दिल्ली के छावला इलाके में 11वीं के एक छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। छात्र की लाश एक नाले में मिली है। मृतक का नाम मंदीप बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 15-16 साल बताई जा रही है। मंदीप वेद व्यास डीएवी स्कूल में पढ़ता था। छात्र की हत्या किसी नुकीली चीज से की गई है। इस मामले में पुलिस स्कूल के कुछ छात्रों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के उस जवाब पर नाराजगी जताई है, जिसमें मेट्रो ने यात्रियों के लिए 1 रुपए प्रति गिलास पानी के इंतजाम की बात कही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मेट्रो से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए डीएमआर से मुफ्त पानी का इंतजाम क्यों नहीं कर सकती। हाईकोर्ट स्टेशन पर सुविधाओं की कमी पर दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और कानून मंत्री मनीष सिसोदिया ने कानून मंत्रालय के अधिकारियों को आदेश दिया है कि विभाग से जुड़ी कोई भी फाइल एलजी के पास भेजने से पहले उनके कार्यालय में भेजी जाए। साथ ही सिसोदिया ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनकी मंजूरी के बिना कोई भी लिखित या मौखिक आदेश भी जारी ना किए जाएं। उप मुख्यमंत्री के इस फरमान के बाद दिल्ली में एक बार फिर सरकार और एलजी के बीच टकराव होने के आसार हैं। दिल्ली की निचली अदालत ने एमसीडी चुनाव के छतरपुर वार्ड में इस्तेमाल ईवीएम मशीन को सील कर रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश छतरपुर वार्ड से हारी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार पिंकी त्यागी की याचिका पर दिया है, जिसमें पिंकी ने काउंटिंग को चैलेंज किया है। एमसीडी चुनाव में छतरपुर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार को महज 2 वोट से हराया था। यूपी के पेट्रोल पंपों में मिली गड़बड़ी के बाद अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली के पेट्रोल पंपों की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार के नापतोल मंत्री इमरान हुसैन ने विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों की जांच करें और जिन पंपों पर गड़बड़ी मिले उसे सील करें। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों की जांच के लिए 10 टीमें बनाई हैं। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल विद्यासागर राव ने महाराष्ट्र में एक ऐसा कानून लाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल ने कहा कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाने से अब बिल्डरों पर कानूनी नकेल कसी जा सकेगी और हाउसिंग ग्राहकों को राहत मिलेगी। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम समेत कई लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने ऐलान किया है कि फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के को अब बराबर याद किया जाएगा। राज्य के सिनेमाघरों में दादा साहेब फाल्के पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म को राष्ट्रगान से पहले चलाना होगा। संस्कृति मंत्री ने इसके लिए जल्द ही कानून लाने की बात कही है। मुंबई अग्निशामक दल ने अपने आप को हाईटेक बना लिया है और इसके लिए अब घटनास्थल पर पहुंचने के लिए अपने वाहनों में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल करेगा। अभी तक 45 वाहनों में इस सिस्टम को इंस्टॉल भी किया जा चुका है। इसकी मदद से फायर ब्रिगेड को घटनास्थल पर पहुंचने में मदद के साथ ही सबसे छोटे रास्ते की भी जानकारी मिल सकेगी। मुंबई से पुणे जाने के लिए अब एक और नया विकल्प शुरू होने जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार का रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अब नई सहूलियत लेकर आ रहा है। इस नई सहूलियत के तहत कॉरपोरेशन अब 15 ऐसी बसों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है, जिसे फिलहाल किराए पर लिया जा रहा है। यही नहीं, बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी से मुहैया कराने वाली संस्था की होगी। नई ऐसी बसों के एमएसआरटीसी के बेड़े में शामिल होने से पुणे के लिए यात्रा पहले से आसान हो जाएगी। महाराष्ट्र के विपक्षी नेता महामहिम राज्यपाल विद्यासागर राव से मुलाकात कर किसानों की कर्ज माफी की मांग को उठाएंगे। विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज महामहिम राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात करेगा। इस दौरान विपक्ष राज्य में किसानों की बढ़ती आत्महत्या पर रोक लगाने के लिए कर्ज माफी के फौरन ऐलान की मांग करेगा।